अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल दोस्तों, आप सब कैसे हो। मैं हूँ तफज्जुल हुसैन, आप सबका दोस्त। मैं आज कुछ दिनों से बहुत बिजी हूँ, आप सबको पता है ना, मैं यूट्यूब में टाइम दे पा रहा हूँ ना फेसबुक पे, कहीं पे आप सबका साथ टाइम नहीं दे पा रहा हूँ। दोस्तों मैंने अभी यहाँ से, आप सबको पता ही होगा, मैंने कोरोना जब से आया है तब से मेरा ड्यूटी बहुत खलबली, मतलब बहुत कम ड्यूटी है। मेरा कफिल, मेरा मैडम बॉस, सब फैमिली, जिस काम के लिए मैं आया था उन लोग रहता है आभा पे, ठीक है, वही आभा में जा रहा हूँ मैं। तो मैं वहीं से वहाँ तक चला जाना पड़ रहा है क्योंकि वहीं पे मेरा ड्यूटी अक्सर ज़्यादा ही है। यहाँ तो बेकार बैठे बैठे इतना दिनों से सैलरी ले रहा था, तो मैडम कहता हूँ यहाँ पे, तो उन्होंने बोला चल मेरा साथ वहीं पे हम लोग कमरा, तो मेरे लिए कमरा भी रख लिया। इसलिए मैं आप सभी से विदा ले रहा हूँ ताकि कैसे मैं ब्लॉग बनाऊँ, कैसे क्या करूँ। जैसे मेरा अपना खुद का कमरा है, ऐसे शायद वहीं पे नहीं है, मैं सामान तैयार कर लिया, पैक कर लिया। उन लोग आज जाएगा, आज उन लोग जाएगा, और इसलिए मैंने उन लोग को उतना तक दे रहा हूँ सामान। मैं दो एक दिन बाद जाऊँगा, बस पे ही जाऊँगा। उन लोग पहले पहुँचने के बाद मैं बस से आप सबको दिखाऊँगा मैं कब यहाँ से सफ़र करूँगा इंशाल्लाह। तो मेरे लिए दुआ कीजिएगा, मुझे भी अबूर लगा है यहाँ ड्यूटी नहीं रहता है, बहुत अच्छा नहीं लगता कफिल के भाई का, उन लोग का बाहर का काम करना पड़ता है। एक नुकसान होगा मेरा, थोड़ा एक्स्ट्रा जो कमाई आता है ना 250-300 रियाल हर महीना, वो बंद हो जाएगा। खैर अल्लाह करेगा, शायद वहीं भी मेरा कुछ रोटी एक्स्ट्रा कमाई हो जाएगा। अगर एक्स्ट्रा ना हो तो मेरा अपना तो खुद का सैलरी है, टेंशन नहीं है, खुद का सैलरी इतना दिन बैठा दे रहा है। तो मैं ये सामान पैकिंग कर लिया, बाकी सामान मैं और थोड़ा कुछ रहेगा जो मैं जाने का टाइम लेके जाऊँगा। और मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है, मैं रियाद से वहाँ जा रहा हूँ, वहीं मतलब मेरा कफिल का वहीं पर ड्यूटी है, बहुत लंबी लंबी ड्यूटी। यहाँ कभी कभी आता है, तो कभी कभी 2-4 दिन के लिए आते हैं, 1 हफ्ता 10 दिन 12 दिन। तो ये गया हफ्ता से तकरीबन इस बार 2 हफ्ता यहाँ रहा, रियाद में छुट्टी में आया है, तो बहुत मेरा ड्यूटी था इसलिए मैं किसी को टाइम नहीं दे पाया। इसलिए मैं माफ़ी मांग रहा हूँ आप सबसे, और दुआ की गुजारिश है आप सभी ने मेरे लिए दुआ कीजिएगा। मैं हमेशा आप सभी के सामने कुछ ना कुछ शेयर करते रहता हूँ, इसलिए मैं ये भी सामान मैंने अब, तो बाकी कुछ है, ये कंबल एक मैं रखा और एक कंबल यहाँ पे है, तो 2 कंबल पे अभी रियाद में कुछ दिन रहूँगा, और उतना ठंडा भी नहीं है, 2 कंबल में मेरा हो ही जाता है। और वहाँ पे मैंने 2 ब्लैंकेट ले लिया, दोनों ही पुराना ले लिया, क्योंकि भाई वहाँ अगर से फेंक के आना पड़ेगा तो फेंक के आ जाऊँगा, इसीलिए पुराना 2 ब्लैंकेट ले लिया। एक ये नीचे के लिए, और ये एक पतला सा कंबल सिंगल है, और यहाँ पे और एक कंबल यहाँ पे दिया हूँ। बाकी जो सामान है आप सभी का सामने, ये देखो मैं गैस भी एक ले लिया, मेरा पास 2 ही गैस था पहले से, ये पुराना वाला ये मैंने ले लिया ताकि वहाँ दिक्कत ना हो। सिलेंडर तो वहीं पे मिल जाएगा, लेकिन चूल्हा के लिए मेरा परेशान हो जाऊँगा, इसलिए मैं कफिल को बोला। तो मैं और मेरा खुद का अभी जो ये बड़ा स्टैंड है, आप सबको बताएं यहाँ पे मैं चाय रेसिपी बनाता हूँ यूट्यूब के लिए, ये मेरा अच्छा चूल्हा है, इसलिए मैं इसको छोड़ के जा रहा हूँ। और ये मेरा फ्रिज, मैं यहाँ बहुत कुछ रखा हुआ है, ये कुछ दिनों में मैं खा के ख़त्म करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ चिकन, बगुला, मच्छी, ये क्या है, तो ये 2-4 दिन में ख़त्म करने की, पता नहीं क्या क्या है, ये भी शायद क्या है, आप सभी को मैं दिखा रहा हूँ। ये मच्छी है, मैं फिर से लाया हूँ, आप सबको पता है पहले एक बार लाया, ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ये रेसिपी बना दूँगा आखिर में। और यहाँ ये सब तो पत्ता मिलता है, और ये चिड़िया है दोस्तों, चिड़िया आप सबको पता है, ये देखो छोटा छोटा चिड़िया है, तो चिड़िया का रेसिपी बनाने, ये देखो चिकन भी मैंने 2-2 शायद ये चिकन भी मैं रखा हूँ। तो ये सब अभी 2-3 दिन में मैं खा के ख़त्म करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये सब लेके जाना मुमकिन नहीं होगा। ये चिकन है, हाँ चिकन, ये आपको 2 पीस है, देखिए ये 1200 ग्राम का 2 पीस है। ये यहाँ क्या है, यहाँ बकरा का गोश्त है, देखिए बकरा का गोश्त है, ये भी चिड़िया है। और ये बहुत दिनों से, ये बगुला किसी को दे देंगे, मैं नहीं खाऊँगा, ये बहुत पुराना हो गया, ये इस बार का नहीं, बहुत दिन हो गया बगुला। आप सबको पता है इंडिया में ये बगुला बहुत मिलता है, लेकिन सऊदी अरब में भी मिलता है, आप सबको मैं शेयर कर रहा हूँ ताकि आप लोग भी देखें कितना खाऊंगा ये 2-3 दिन में, पता नहीं, मुझे बोल रहा है वो जाने के बाद मुझे फ़ोन करेगा और लोकेशन भेज देगा, तब मैं चला जाऊँगा बस से, आप सभी को मैं ब्लॉग बना करके दिखाऊँगा। वाह,
ये सब है, चलो ये सब 2-3 दिन में मैं खा के ख़त्म करने वाला हूँ। टमाटर है, सब्जियाँ है, नीचे देखिए नीचे भी बहुत कुछ है। नीचे आपको और देखो प्याज है यार, ओ देखो प्याज कितना सस्ता है, देखो यहाँ 3.65 रियाल हलाला में कितना प्याज मिला है। यहाँ देखो 1 रियाल 95 हलाला 1 किलो का रेट है, ठीक है 1 किलो का रेट इतना ही है। उसी हिसाब से यहाँ लगभग 2 किलो का आसपास है ये प्याज, देखो 2 किलो का आसपास प्याज। और प्याज है, लहसुन है, ये आलू भी रखा हुआ है। ये आलू सिर्फ 1 रियाल किलो है दोस्तों, 1 रियाल किलो है। आप सभी को आप दिखाऊंगा आप सबको अभी, रुकिए मैं थोड़ा ऊपर ला के दिखा रहा हूँ आप सबको। 1 रियाल किलो है सऊदी अरब में, बहुत सारे चीज सस्ता है। सॉरी 95 हलाला है यार, हाँ 1 रियाल भी नहीं है। 2 किलो 130 ग्राम का दाम देखिए कितना, 2 रियाल 2 हलाला 2 रियाल 2 हलाला यानी 2 किलो के से ज़्यादा सामान आपको इंडिया का 40 रुपया मिल रहा है। ये मैंने यूज़ भी किया आलू, कितना बढ़िया बढ़िया आलू है, बहुत मस्त आलू है। सो दोस्तों वीडियो लंबा हो रहा है, अभी आप सब लोग से मैं विदाई ले रहा हूँ। तो दोस्तों आप लोग सोचे होंगे तो चूल्हा क्यों लेना चाहिए, मैं आखिर में बता रहा हूँ क्यों लिया। आप सबको पता है क्या, बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होगा, सऊदी अरब जो लोग हैं लोकल लोग, इन लोग का खाना हम लोग को पसंद नहीं आता है। मुझे खाना उन लोग देगा ज़रूर, मैडम ने बोला है कुछ ज़रूरत नहीं है, ठीक है मैडम ने खाना देगा मुझे वहीं पे, लेकिन उन लोग का खाना हमारा पसंद का नहीं है, इसलिए मैंने अपना हाथ का सामान कुछ ले लिया। चलो वहाँ तो मिल जाएगा सब कुछ मार्केट, मैंने थोड़ा थोड़ा बर्तन भी ले लिया 1-2-4 पीस, अगर वहीं खुद बना करके खाना है तो बना करके भी खाऊँगा, और वरना तो इंशाल्लाह उन लोग खाना जो देगा खाऊंगा जितना हो सके, जितना ना हो सके तो मैं खुद बनाऊंगा। उतना ही दोस्तों, आप लोग दुआ कीजिएगा, मैं यहीं पे आप लोग से विदा ले रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय आया हूँ।